निमच निमच टुडे में आपका स्वागत है। कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी है, इसकी शुरुआत अब निमच से भी हो चुकी है। पहले संभावना जताई जा रही थी कि कमलनाथ खेमे के कई लोग भाजपा में शामिल होंगे और उनमें बड़ा नाम राजकुमार हेग का सामने आ रहा था, लेकिन एक चौंकाने वाला नाम बीती रात को सामने आया और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ खेमे के बड़े नेता उमराव सिंह गुर्जर ने भोपाल में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। कल भोपाल में भाजपा की एक और कमेटी की बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इधर नीमच मंदसौर के सांसद और विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष शामिल थे। बैठक के बाद भाजपा कार्यालय में उमराव सिंह गुर्जर को खुद मोहन यादव और वीडी शर्मा ने भाजपा की सदस्यता दिलाई और उनका अभिनंदन किया। यह खबर जैसे ही नीमच में फैली, सनसनी मच गई और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उमराव सिंह गुर्जर आखिर भाजपा में कैसे जा सकते हैं। वे छात्र राजनीति से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे थे। एक बार नहीं, दो बार उन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ी लेकिन भाजपा ज्वाइन नहीं की। इस बार उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो भाजपा ज्वाइन कर ली। आइए हम बात करते हैं उमराव सिंह गुर्जर के राजनीतिक जीवन की। उमराव सिंह गुर्जर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम पंचायत राजड़िया के सरपंच पद से की। इसके बाद वे नीमच के जनपद सदस्य बने। जनपद सदस्य बनने के पहले ही चुनाव में वे नीमच जनपद के उपाध्यक्ष बने और बड़े किसान नेता के रूप में उभरे। यह समय था 1993 का, जब दिग्विजय सिंह की सरकार बनने जा रही थी। वे विधानसभा के प्रबल दावेदार थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, टिकट काट दिया गया और टिकट दिया गया नीमच से नंदकिशोर पटेल को। उमराव सिंह गुर्जर उसके बाद हारे नहीं, लगातार कार्य करते रहे और फिर नीमच मंडी के अध्यक्ष बने। जी हाँ, नीमच मंडी के अध्यक्ष के समय भी कांग्रेस ने उनको अधिकृत नहीं किया गया, बल्कि भारतेन सिंह चुंडावट आमलीखेड़ा के किसान नेता उन्हें अधिकृत किया गया। और इसके बावजूद उमराव सिंह गुर्जर ने निर्दलीय पर्चा भरा और भारी बहुमत से नीमच के सुपर मंडी के अध्यक्ष बने। फिर वे विधानसभा के टिकट के लिए फिर दावेदार बने और वर्ष 2008 में नीमच से फिर टिकट मांगा लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस बार वे फिर नीमच से निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। चतुष्कोणीय मुकाबले में वे 23,000 वोट लाकर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार रघुराज सिंह चोड़िया, जो कि अभी वर्तमान में भाजपा में है, उन्हें चौथे नंबर पर धकेल दिया। इसके बाद उमराव सिंह गुर्जर पुनः भाजपा में कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में आकर वे लगातार काम करते रहे और फिर नीमच जनपद पंचायत के अध्यक्ष बने। नीमच जनपद पंचायत के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद वे नीमच के मंडी बोर्ड के फिर डायरेक्टर बने और फिर उन्हें मनासा से कांग्रेस का उम्मीदवार दिया गया। उस समय भी उमराव सिंह गुर्जर के साथ अन्याय हुआ, वे नीमच से तैयारी कर रहे थे, नीमच से कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे लेकिन उन्हें नीमच के बजाय अचानक मनासा भेज दिया गया और नीमच से जावद के कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार को थोप दिया गया। हालात ऐसे बने कि सत्यनारायण पाटीदार न नीमच को समझ पाए, उमराव सिंह गुर्जर न मनासा को समझ पाए और दोनों ही नेता चुनाव हार गए। लेकिन उस समय उमराव सिंह गुर्जर को अगर नीमच से कांग्रेस का टिकट मिल जाता तो वे नीमच से कभी के विधायक बन जाती। वे बड़े किसान नेता थे, दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन उनके साथ उस समय भी कांग्रेस ने अन्याय किया और मनासा भेज दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और पार्टी के लिए मनासा से चुनाव लड़ा। अब बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव की। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने उन्हें बुलाया और एक ही नाम सिंगल रखा, उमराव सिंह गुर्जर। उमराव सिंह गुर्जर चुनाव लड़े, अच्छा लड़े लेकिन लाडली बहना की लहर में हार गए। या यूं कहें, दिलीप सिंह परियार की सक्रियता के आगे वे भोले साबित हुए और करीब 27,000 वोटों से हार मिली। इस हार के बाद उन्हें वे पूरी तरह से टूट गए, कांग्रेस के कार्यक्रमों में कम आ रहे थे। इसके बाद पार्टी का गिरता स्तर और कमलनाथ के साथ हुए असभ्य और उपेक्षित व्यवहार से वे दुखी थे। साथ ही राम लहर के दौरान जो कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया उसका इसे भी उनको आघात लगा और इन तमाम परिस्थितियों से परेशान होकर उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और भाजपा में शामिल हो गए। कल वे भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में लाने के लिए बताया जाता है कि राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता बंसीलाल गुर्जर व पवन पाटीदार नीमच भाजपा जिला अध्यक्ष की अहम भूमिका रही। वे दोनों से संपर्क में थे,
दोनों ने उन्हें भाजपा में लाने का रास्ता साफ किया। वे सांसद सुधीर गुप्ता से मिले, सुधीर गुप्ता ने भी हाईकमान से चर्चा की और उन्हें भाजपा में लाने की रास्ता पूरी तरह से साफ किया। आपको बता दें कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में करीब 2.5 लाख वोट गुर्जर गायनी और धनगर समाज के हैं, जो कि बड़ा वोट बैंक है। और अगर इस वोट बैंक से अगर कोई गुर्जर नेता, ओवाली घाटी गुर्जर नेता, जो जमीन से जुड़ा नेता, अगर भाजपा में आता है तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उमराव सिंह गुर्जर का अपना नेटवर्क है, उनके अपने कार्यकर्ताओं की फौज है और वे भाजपा में गए और निश्चित ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। इन तमाम मुद्दों पर उमराव सिंह गुर्जर ने भोपाल से नीमच टूडे से बात की और बड़ी बात यह की कि वे कमलनाथ की उपेक्षा से आहत थे और राम मंदिर का निर्माण निमंत्रण ठुकरा कर कांग्रेस ने जो दुष्कार किया, जो अपमान किया भगवान श्री राम का, उससे भी वे दुखी थे, इसलिए वे भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं और अब वे भाजपा नेता कहलाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि समाज के लिए और संगठन के लिए काम करूंगा। तो सुनिए क्या कहा उमराव सिंह गुर्जर ने निमच टूडे से चर्चा करते हुए, देखिए पूरी खबर। अच्छा भाई साहब, भाजपा ज्वाइन करने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सब मिलजुल के काम करेंगे पार्टी संगठन के निर्देश अनुसार। कांग्रेस छोड़ने का क्या कारण रहा भाई साहब? देखो ये तो सब पार्टियों की कोई बात नहीं है, सब अपने अपने पार्टी में सब लोग काम करते ही हैं, कर ही रहे थे। नहीं लेकिन आप पिछले 30-40 साल से छात्र राजनीति से कांग्रेस में रहे और अब भाजपा में अचानक आ गए, तो इसका कारण क्या रहा? पार्टी में कहीं ना कहीं उपेक्षा महसूस की जा रही थी क्या, या कमलनाथ जी के साथ जो व्यवहार हो रहा था उससे दुखी थे? हाँ, अभी सब बहुत सारे कारण थे जी। एक तो अपना राम मंदिर का जो है विरोध गलत किया जी, उससे भी सब हम सब साथी सब दुखी थे। अच्छा, फिर जो है सब उपेक्षा तो की जा रही थी। अच्छा, कमलनाथ जी के साथ भी ऐसा हो रहा है और सबके साथ ऐसा हो रहा है, जिन जिन लोगों का पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं जी। अपन क्या है कि पीठ पीछे अपनी जो भी कहना चाहते हैं सामने सामने। अच्छा, मतलब कमलनाथ जी के साथ जो अपेक्षा हुई और राम मंदिर का विरोध करना, ये कांग्रेस के दो बड़े कारण रहे आपको पार्टी छोड़ने के। भाई साहब, दूसरा ये कि भाजपा में लाने के लिए किसने प्रेरित किया आपको? बंसीलाल जी गुर्जर ने, पवन पाटीदार ने, दिलीप सिंह परियार ने, किसने? अब ये सब संगठन के माध्यम से हुआ। संगठन के माध्यम से हुआ तो प्लानिंग अब भी जमीन राम मंदिर के पहले से ही चल रहा था? पहले उसी टाइम से सब लोग थे। आपके जो आपने पूरी एक टीम आपकी है, उमराव सिंह गुर्जर एक बड़े नेता हैं जिनके साथ हजारों कार्यकर्ता नीमच में हैं, क्या वे सब भी भाजपा में जा रहे हैं? नहीं, ये यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो स्वेच्छा से ज्वाइन करेंगे। हाँ, जो स्वयं जो स्वेच्छा से ज्वाइन आएंगे उनका स्वागत है। जो भी संगठन तय करेगा कि भाई अच्छा से अच्छा काम करें लोगों के बीच में, अपन तो ये है। अच्छा, लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते रहेंगे बिना। हाँ, कोई इच्छा नहीं है काम करने की, इच्छा बस काम करने। ऐसा भी कहा जा रहा है नीमच में कि अब भाजपा की सरकार आ गई, उमराव सिंह जी भाजपा में जाकर नीमच मंडी अध्यक्ष पद पर वापसी करना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है क्या? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, है ना। चुनाव अपन सब खूब लड़ लिए, अब तो खाली बिना चुनाव के सेवा करेंगे लोगों की। अच्छा, है ना, क्षेत्र का विकास की लड़ाई लड़ेंगे, क्षेत्र के विकास की लड़ाई जी। नीमच का पधारना भाई साहब कल। ठीक भाई साहब, धन्यवाद नीमच टुडे से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।